हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवल। यह वीडियो सोलेंट 5 की नोवल पर बेस्ड पार्ट 85 है। आगे हर हाल में अब क्रिस्टल डीमोन एम्परर तानसेन का साथ देने वाला होता है और इस तरह से मेई ड्रीब्रीफिंग की सेकंड स्टेप को पास कर लेती है। और मेई काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि तानसेन ने तियानियों के भाग्य को चुनौती दी होती है और मेई को यह स्टेप पास कराई होती है। इस समय मेई भी खुद में फील कर पा रही होती है कि उसकी ड्रीब्रीफिंग को कोई काफ़ी बड़ा हाथ पीछे से कंट्रोल कर रहा है। इससे एम्परर तियानियू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। इसके बाद एम्परर तियानियू थर्ड स्टेप शुरू करने के लिए कहता है। उसके लिए मेई को एंसेस्ट्रल कोर्ट की इच्छा से बपतिस्मा लेना होगा। वैसे तो बपतिस्मा का मुझे सही मतलब नहीं पता, लेकिन यह कुछ ऐसा होता है और इससे बनने वाले सिटी लॉर्ड में एक्स्ट्रा पावर को एंसेस्ट्रल कोर्ट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और उनकी एबिलिटी को भी अनलॉक किया जाता है। वैसे तो सामान्य डीमोन के लिए डीब्रीफिंग शुरू के ही दो स्टेप में खत्म हो जाती है। थर्ड स्टेप में केवल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन यह मेई के लिए नामुमकिन होता है और यह कुछ ऐसा होता है जिसमें क्रिस्टल डीमोन एम्परर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यह पूरी ही तरह से भाग्य क्या चाहता है या कहा जाए तियानियू क्या चाहता है उस पर ही डिपेंड होता है। इस समय लगभग सभी प्लर से लाइट निकलने लगती है और जब यह लाइट मेई पर पड़ती है तो मेई काफ़ी स्पीड से रिकवर कर रही होती है। मेई कुछ सहम जाती है क्योंकि वह समझ गई होती है एम्परर तियानियू क्या करने वाला है। दूसरी तरफ एम्परर व्हाइट टाइगर भी एम्परर तियानियू पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। यदि एम्परर तियानियू के कारण मेई को कोई भी नुकसान होता है तो अब एम्परर व्हाइट टाइगर को किसी भी चीज का डर नहीं है। जगह हेल गार्डन। तानसेन चुपचाप एक बड़े नीले फूल पर क्रॉस लेग किए हुए बैठा होता है और तानसेन यहाँ पर बैठकर सही समय आने का इंतजार लंबे समय से कर रहा होता है। तभी तानसेन को उसके दिमाग में एक जोरदार बज साउंड सुनाई देता है जिससे वह समझ जाता है उसका टाइम आ चुका है। दरअसल तानसेन के पास पहुँचने के साथ तानसेन फिर से मेई के साथ असुरा स्वॉर्ड से एक कनेक्शन बना लेता है। इससे यह एक दूसरे से बात भले ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर रहे होते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वॉर्ड के डिवाइन पावर को एक्टिव करते हैं जिसका एहसास दोनों को ही होता है और इस तरह से यह एक दूसरे को समझ सकते हैं। तानसेन ने पहले ही हर चीज सेट कर दी होती है जिससे ऐसा कहा जा सकता है यह सब तानसेन की प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा होता है। तानसेन हेल गार्डन के व्हाइट लोटस के पास आ चुका होता है। इसके साथ ही तानसेन फील करता है उसका भाग्य बढ़ने लगा है जिससे तानसेन इसे तुरंत ही अपने स्काई फॉक्स 7 टेल चेंज के साथ एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे तानसेन के जो मार्क अभी तक 9 टियर पीक पर नहीं होते हैं वह भी आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह से तानसेन के 9 मार्क फ्लैश होने लगते हैं। क्लैश के आने से पहले ही तानसेन ब्लू सिल्वर एम्परर और इनियांग के साथ सुपर ब्लड लाइन बनाने के लिए एक दूसरे में फ्यूज करने लगता है जिससे पूरी ही हेल गार्डन भी कांपने लगती है। जगह एंसेस्ट्रल कोर्ट। एम्परर तियानियू के सैक्रेड माउंटेन को काफी लोग क्लिम्ब कर रहे होते हैं, सभी अपने भाग्य को लेना चाहते हैं। तभी यह सैक्रेड माउंटेन को क्लिम्ब कर रहे लोग फील करते हैं यह कांप रहा है जिससे वह अचानक ही रुक जाते हैं। इससे पहले वह कुछ समझ पाते अगले ही पल में यह सैक्रेड माउंटेन बुरी तरह से कांपने लगता है। किसी को भी पता नहीं होता वहां क्या हो रहा है। सैक्रेड माउंटेन का भाग्य तेजी के साथ नीचे आने लगता है और कुछ ही समय में पूरे ही माउंटेन को एक गोल्डन लाइट ने घेर लिया होता है। यह गोल्डन लाइट इस भाग्य को निकलने नहीं देगी, लेकिन इस समय पूरे ही एंसेस्ट्रल कोर्ट के आसमान का कलर बदलते हुए ब्लैक हो जाता है। दूसरी तरफ मेई के पास असुरा स्वॉर्ड होने के कारण यह और भी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है जिससे एम्परर तियानियू की आंखों में उदासी होती है। तभी सभी को एक झटका सा महसूस होता है जिससे सभी कांप जाते हैं और उसी के साथ जब तियानियू ऊपर देखता है तो ऊपर देखते हुए वह शॉक हो जाता है और सभी एम्परर को लगा होता है कुछ तो गड़बड़ है। एम्परर तियानियू ने लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया जिससे सभी को पिच ब्लैक कलर दिखाई दिया। इसमें डार्क पर्पल कलर भी होता है। एक ही पल में सभी एम्परर ने एक पावरफुल प्रेशर को फील किया होता है। अगले ही पल सभी मेई को छोड़ते हुए तियानियू के साथ उसके सैक्रेड माउंटेन की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ आने पर एम्परर तियानियू के हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है।
वह कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी एम्परर स्काई स्प्लिटिंग गुस्से में पूछता है तियानियू यह क्या हो रहा है, लेकिन एम्परर तियानियू को भी अभी कुछ पता नहीं होता, जिससे वह भी कुछ नहीं बता सकता है। अगले ही पल में हेवनली ट्रिब्यूलेशन के क्लाउड दिखाई देने लगते हैं, जिसे सभी पहचान जाते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आती है यह इतनी टेरिफाइंग क्यों है। साथ ही वह यह भी समझ जाते हैं यह कुछ ऐसी पावर है जो पूरी ही एंसेस्ट्रल कोर्ट को खत्म करने वाली हो सकती है, और इसका टारगेट एम्परर तियानियू का सेक्रेट माउंटेन होता है। इससे हमें पहली बार पता चलता है हेल गार्डन एम्परर तियानियू के सेक्रेट माउंटेन के नीचे है, और एम्परर तियानियू के सेक्रेट माउंटेन को कोई भी एम्परर ढहने नहीं देगा, जिससे सभी इसे प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पर तांगसन का दिमाग क्या चला होता है। तांगसन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार करेगा और अनजाने में ही सही सभी एम्परर को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ही समय में एम्परर तियानियू को समझ आ जाता है हेल गार्डन में कुछ गड़बड़ है, और जब एम्परर तियानियू अपने डीमोन चेंज में होता है तो उसकी नाइन टेल के द्वारा पूरे ही आसमान को कवर कर लिया जाता है, जिससे हेवनली क्लैस अपना टारगेट ढूंढ नहीं पाती है और बिना स्ट्राइक के ही गायब हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका तो एम्परर व्हाइट टाइगर को लगा होता है। वह सोचता है क्या यह सब इस बच्चे ने किया है, लेकिन इसी समय फिर से स्ट्राइक दिखाई देती है, जिससे सभी एम्परर काफी ज्यादा डर जाते हैं। एम्परर तियानियू को ऐसा लगा होता है जैसे कभी उसने इस तरह से सभी को खत्म होते हुए देखा था, जिससे उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। लेकिन तभी तियानियू ने नाइन पावरफुल ऑरा को फील किया होता है जो हेल गार्डन में होते हैं, साथ ही वह गॉड लेवल के नीचे होते हैं, जिससे वह समझ जाता है यह सुपर ब्लड लाइन की प्रेजेंस है जिसे यह प्लान सपोर्ट नहीं कर सकता है, और यह क्लैश इसी के कारण इतना भयानक है जो पूरे ही एंसेस्ट्रल कोर्ट और दुनिया को धूल में बदल लेने की ताकत रखता है, जिससे तियानियू के दिमाग में सिर्फ यही गूंज रहा होता है वह आदमी पागल है, जिससे एम्परर तियानियू अपने डिवाइन सेंस के साथ हेल गार्डन में एंट्री लेता है। लेकिन अगले ही पल वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसका डिवाइन सेंस कुछ भी नहीं कर पाता है। हेल गार्डन स्पेस वॉइड के साथ प्रोटेक्टेड होती है, जिससे एम्परर तियानियू वहां पहुंच ही नहीं सकता है, और वहां पर तांगसन के इन यांग ब्लू सिल्वर एम्परर से मिलते जा रहे होते हैं, जिससे तांगसन इन्हें अपनी पिछली जिंदगी की आइस एंड फायर की तरह देख रहा होता है। लेकिन यह उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इन और यांग इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही आए हुए होते हैं, और इसे भाग्य से फ्यूज किया जा सकता है, जिससे पैराडाइज फ्लावर की पूरी ही हेल्प मिलने वाली होती है। और तांगसन दो दिनों से टाइम और स्पेस के साथ इससे कनेक्शन बना रहा होता है। भले ही तांगसन अभी टाइम स्पेस को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर सका है, लेकिन यह जितना होता है उसकी पावर भी कम नहीं होती है, और तांगसन के पास जितना टाइम स्पेस बीकन है वह इसी प्लान को ही नहीं बल्कि एक से अधिक प्लान को भी कवर कर सकता है, और इसी को एक चैनल की तरह यूज करने से गॉड को विश्वास की पावर भी मिलती है। और बाहर हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर एक के बाद एक स्ट्राइक के रूप में सेक्रेड माउंटेन की ओर आ रही होती है, जिससे अब दूसरे एम्परर भी आगे आ जाते हैं और इन स्ट्राइक को खत्म करने लगते हैं। इसमें एम्परर तियानियांग तियानजिंग सन एसेंस भी आ जाता है, और इस तरह से सभी मिलकर इस क्लैश से सेक्रेड माउंटेन को बचाने लगते हैं। तियानजिंग के पूछने पर तियानियू बताता है किसी अज्ञात ने मेरे भाग्य की उत्पत्ति पर अटैक किया है, और वह स्पेस पावर से इस दुनिया से अलग हो गया है जहां मेरा डिवाइन सेंस भी नहीं पहुंच सकता है, जिससे इस क्लैश से बचने का एक ही समाधान होता है, उसे वहां से बाहर निकालो और खत्म कर दो। अब उन्हें ऐसा कोई चाहिए होगा जिससे वह स्पेस पावर को ब्रेक कर सकें, और इसके लिए उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वह है मेई। यदि वह मेई को ऑफिशियल एंसेस्ट्रल कोर्ट मेंबर कैरी सिटी लॉर्ड बना देते हैं तो वह इनकी दुश्मन नहीं होगी, साथ ही उसे एंसेस्ट्रल कोर्ट के रूल भी फॉलो करने होंगे, और यह बात एम्परर व्हाइट टाइगर तियानियू को समझाता है। लेकिन एम्परर तियानियू बताता है उसने उसे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वह इस फेरी कॉन्टिनेंट पर एंडलेस बैड लक लेकर आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ फिर यह वही सोचते हैं वह इंसान है, वह क्या कर लेगी, क्योंकि इंसान डीमोन के आगे चीटी से कम नहीं है, जिससे एम्परर तियानियू को भी लगता है वह जो भी खतरा लाएगी वह इससे तो कम ही हो सकता है, और उसे बाद में भी खत्म किया जा सकता है, जिससे वह पहले तो मेई को मारना ही चाहता था
लेकिन अब वह मेई को अभी के लिए यूज करना चाहता है, जिससे मेई के पास एक मिल्की लाइट फैल जाती है। यह एम्परर तियानियू के भाग्य की ताकत होती है, जिससे कुछ ही समय में मेई किंग लेवल की कल्टीवेशन पर पहुंच जाती है और इसी के साथ मेई ऑफिशियल सिटी लॉर्ड भी बन जाती है। हेल गार्डन में थर्ड स्ट्राइक के आने तक तांगसन की इन यंग सुपर ब्लड लाइन तैयार हो जाती है, जिससे तांगसन के चेहरे पर मुस्कान होती है। इसकी पावर जिनमेंगवियन चेंज से भी कहीं ज्यादा होती है, पूरा ही सैक्रेड माउंटेन गोल्डन होता है। तभी मेई भी अपनी सिल्वर लाइट के साथ वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर एम्परर तियानजिंग शॉक हो जाता है, क्योंकि क्लासिक मैच को जीतने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ है। वह 9 टियर से सीधे 11 मतलब किंग लेवल पर आ चुकी है। अब मेई एम्परर तियानियू के कहे अनुसार तांगसन के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। तांगसन ने पहले ही समझा दिया था, जैसा एम्परर तियानियू कहे उसे वैसा ही करना होगा, जिससे उसे कभी भी मेई पर शक ना हो। जिससे एम्परर तियानियू के इशारे पर मेई अपनी स्पेस पावर के साथ हेल गार्डन में जाने लगती है। लेकिन यह मेई के लिए भी आसान नहीं होता है, एक के बाद एक स्पेस पैटर्न ओवरलैप हो रहे होते हैं। यहाँ पर मेई भले ही तियानियू की तरह भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन वह उसे बदलते हुए फील कर रही होती है। और एम्परर तियानियू फिर एक बार मेई के स्पेस कंट्रोल को देखते हुए हैरान हो जाता है। इस समय भले ही मेई और तांगसन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तांगसन ने मेई को फील करते हुए स्पेस पावर बढ़ा दी होती है। एम्परर तियानियू मेई के पीछे पीछे होता है और तांगसन पर 6 स्ट्राइक होती है। हेल गार्डन धीरे धीरे साफ साफ दिखाई देने लगता है। एम्परर तियानियू हेल गार्डन को हर हाल में बचाना चाहता है। इस तरह से वह जल्दी ही तांगसन के पास पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पर एम्परर तियानियू तांगसन को पहचान नहीं सका है। तांगसन काफी ज्यादा शांत होता है। तांगसन उसे अपना इंट्रो फ्रैंक स्टार के भविष्य के रूप में देता है और तियानियू को पूरे ही प्लेनेट के भाग्य को कंट्रोल करने के कारण फटकार लगाता है। मेई ने जब तांगसन को देखा होता है तो उसे तांगसन दिखाई ही नहीं देता है। उसकी जगह उसे एक महिला दिखाई देती है जो पूरी तरह से क्रिस्टल आर्मर में होती है। दरअसल यहाँ पर एम्परर तियानियू के कारण तांगसन ने क्रिस्टल डीमोन से खुद के ऑरा को एक्टिव करने को कहा होता है, जिससे तांगसन उसके पीछे छिपा होता है। हालांकि यहाँ बीच बीच में क्रिस्टल डीमोन को लग रहा होता है आखिरकार क्या उसे तांगसन का साथ देना चाहिए या नहीं, लेकिन वह बाद में तांगसन का साथ देने का चुनाव करता है और तांगसन के ऊपर उसका बाइपोलर डोमेन घूम रहा होता है। और क्रिस्टल डीमोन एम्परर खुद एम्परर तियानियू से कहता है, यदि तुम मरना नहीं चाहते हो और इस हेल गार्डन को बचाना चाहते हो तो मेरे सक्सेसर को बचाने के लिए अपनी भाग्य की ताकत दो, जिससे मैं भी फिर से जन्म ले सकता हूँ। अब एम्परर तियानियू भी क्रिस्टल डीमोन एम्परर की बातों को हल्के में नहीं ले सकता है, जिससे वह ना चाहते हुए मान जाता है। और हेल गार्डन के बिना तियानियू भी कुछ नहीं होगा, जिससे वह तांगसन को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। लेकिन यह हेवनली क्लैश कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई जिंदा चीज पास कर सकती है, जिससे क्रिस्टल डीमोन को भी नहीं पता होता है आगे क्या होने वाला है। अब एम्परर तियानियू तो प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार होता है, साथ ही तांगसन पर स्ट्राइक होने लगती है। इसके साथ तांगसन पैराडाइज फ्लावर की सीड स्ट्राइक में यूज कर रहा होता है। इसमें कुछ 18 सीड होते हैं, जिसे एम्परर तियानियू ने पिछले 1000 साल में कंडेंस किया होता है, जिसको एक एक करते हुए खत्म होता देख उसके भी मुंह से खून आने लगता है। तांगसन को स्ट्राइक के साथ यह तो समझ आ जाता है, यदि वह पूरी ही स्ट्राइक को अपने ऊपर लेता है तो वह बच ही नहीं सकता है। इसलिए तांगसन अब हवा में आते हुए स्ट्राइक से भागने लगता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इस तरह से क्लैश से भाग भी सकता है, या फिर हेवनली क्लैश से भागा भी जा सकता है। अब तक क्रिस्टल आर्मर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिससे तियानियू को यह समझ आ जाता है जो भी इस हेवनली क्लैश को पार कर रहा है वह क्रिस्टल डीमोन के अलावा और कुछ भी है। अब इस समय तांगसन ट्राइडेंट का भी यूज करता है, लेकिन जब वह हर चीज में फेल होता हुआ दिखाई देता है तो उसी के साथ तांगसन सीधे ही इस प्लान के गार्डियन से बात करता है। इसमें तांगसन बताता है उसने उसे भाग्य दिया है जो डीमोन ने छीन लिया था। तब क्रिस्टल डीमोन सोचता है तांगसन ने वह पैराडाइज फ्लावर की सीड की प्लान को रिश्वत दी थी, और क्या ऐसा पॉसिबल भी है। दूसरी बात, तांगसन प्लान को बताता है वह एम्परर बनने के साथ ही इस प्लान को छोड़ देगा। तब वह हेवनली क्लैश भी तांगसन पर लास्ट स्ट्राइक करने के साथ ही गायब हो जाता है।
इस तरह से तानसेन गॉड लेवल पर पहुंच चुका होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।